अबे क्या बकरी है, जब वो गाड़ी लेकर निकले तब तू कहाँ था? भाई गर्लफ्रेंड ने बिरयानी बनाई थी, ज्यादा खा लिया तो पेट खराब था, वॉशरूम गया था, आया तो देखा गाड़ी नहीं थी। दो सीढ़ी के दफा हो जा। एमएलए से मिलने आयो, उन्हें होश नहीं आया है, होश आएगा तो बता दूंगा, अभी ढाबे पे जाओ। हम लोग अपने पैसे लेने आए हैं। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, इसे पता चल गया है भेंडी काट के। बात यह है कि मुझे रिश्वत देकर नौकरी नहीं चाहिए, जो पैसे दिए हैं वो वापस कर दो। बाप बेटे मेरी टांग खींच रहे हो क्या? मैं झोला लेकर नहीं गया था पप्पा के पास, पप्पा खुद आए थे तुम्हारे लिए नौकरी मांगने, वो पैसे मैंने एमएलए को दिए और वो जाएंगे सीधा डीजीपी के पास। अब वापस कैसे लाऊं? पैसे नहीं नौकरी मिलेगी, कोने कोने से निकल लो। एक मिनट, अब क्या है? मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? ओ लोग मेरी कस्में खाते हैं, ये बोलती यकीन कैसे करेगी। एक काम करो, डीजीपी सत्यम शिवम के सुंदर मंगले पर चलते हैं, वही बात कर लो। सुन थायो, क्या प्रॉब्लम हो गई है? अरे ढाबे वाले ने अपनी बेटी को नौकरी दिलाने के लिए पैसे दिए थे, वो मैंने एमएलए साहब को दे दिए, उन्होंने सत्यम शिवम को दिए, अब बिना गले लगे गले पड़ रही, बोलती पैसे वापस चाहिए, इसीलिए उसके पास ले जा रही हूं। ए बका, उस जिंगुर के पास जाने की क्या जरूरत है? वो कल सुबह हॉस्पिटल में ही आ रहा है। यही आ रही है? हाँ तो? ये तो गुड न्यूज है बे। सुन लिया, कल सत्यम शिवम आएगा, खुद उससे बात कर लियो, अगर वो मुकर गया तो तुम्हारा सैंडल पुलाव खाऊंगा, अब तक लिया हो जाओ। ठीक है, कल आती हूँ, तैयार रहना। खुशबू लगा के आ, चलो जाओ ने, गर्दी कम करो, हवा आने दो। ए बका, वायरस से दूर रहने का। सही वक्त पे आदम का। और ये बता, तुझे कैसे पता चला कि डीजीपी सत्यम शिवम कल आने वाला है? डीजीपी सत्यम शिवम? आ गांडो कौन छे? अरे कल एमएलए से डीजीपी मिलेगा ना, वो सब पता नहीं, कल सुबह हॉस्पिटल में एमएलए की दाढ़ी करने सत्यम शिवम। तू क्या कंटा? अबे मैं डीजीपी सत्यम शिवम की बात कर रहा था। डीजीपी रायता फैला दिया, अब उसी रायते के साथ सैंडल पुलाव खाना पड़ेगा। हवे शू करी सुबह का? जुगाड़ करना पड़ेगा बे, असली डीजीपी के पास जाके यहाँ आने के लिए मिन्नतें करनी पड़ेंगी। सत्यम शिवम को रिश्वत देने की हिम्मत करता है? बोल, इससे पहले कि गोली निकले तू निकल ले, चल निकल। सत्यम शिवम काम पे आया है? अबे खुद देख लेना। इसे भाग क्यों रही है बे? डीजीपी को चाय पानी नहीं दिया होगा तो आओने बका। डीजीपी के सामने फिसल मत जाइयो, हम एमएलए के लौंडे हैं, तड़ी में रहियो बे, और 10 लाख रुपए का धंधा दिया है डीजीपी को। अच्छा हुआ बता दिया, देख कैसे डांडिया खेलता हूँ। ढोल बजाऊंगा। देख रिया, घर है के सोसाइटी? इस घर को रेती सीमेंट से बनाने के बाद रिश्वत का चूना मारा। हेलो मिस्टर सत्यम, क्या हाल है? जय श्री कृष्ण काका। इतने सारे मेडल मिले की खरीदे? बावले खरीदते नहीं है, मांग के ले आते हैं। मेरे को लगाई। क्या बोला? जस्ट जोकिंग हो। कौन हो तुम लोग? अरे बका, बैठ के बात करते ना। हाँ तो अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया तुम लोगों ने। हम एमएलए पठानी सूट के खास लोग हैं, समझ लो मैं उसकी उंगलियां और ये बीच की उंगलियां। अब खबर तो मिली होगी, एमएलए अस्पताल में कोमा में। और एक लड़की को नौकरी दिलाने के लिए आपको 10 लाख रुपए दिए गए, ये भी मुझे पता है। मुद्दे की बात ये है चीचा, उस लड़की को इस इलाके की चौकी पे काम लगवा दो। क्यों? अरे क्या क्यों क्या, कैसे सवाल पूछता है? आई डोंट लाइक इट। रिश्वत का गंगा जल छिड़क दिया ना, तो चुपचाप काम करने का। अरे जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं, प्यार के फूल कैसे खिलेंगे? मेरे बोल बच्चन से डर रहा है और डराता हूँ। वैसे बका की जो बकी है उसे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बका को प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर याद आया, डीजीपी टकलू और इसके पप्पा तो बचपन में उस गटर के पास गोटी खेलते थे, याद छे? क्या दिन थे वो। अच्छा चीचा, कल टाइम है तुम्हारे पास? वो क्या है ना चाचा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस कर दिया कि कल मैं उसको तुमसे मिलवाऊंगा। ओ आ मत कर भाई, कल सुबह हॉस्पिटल में एमएलए को मिलने एक फूल का गमला और नारियल लेके पहुँच जाना। पिकअप ड्रॉप स्कूटी पे करवा दूंगा, और रास्ते में ढाबा है वहीं पे लंच कर लेना, बस इतना और कुछ नहीं। इसका पेट बहुत बड़ा है, खाली सेव और गाठिया मंगा ले, नहीं समझा? अरे भाई गला गीला करने का सामान पे चल के करें। क्यों? ऊपर धूप होगी बे। शराब तो तुम लोग ले आए हो, शबाब में कुछ नहीं लोगे? आ लूंगा, लेकिन मैं रशियन का शौकीन हूँ और मैं चाइनीज। आ जाओ, अब करेंगे जलसो। ए भाई थोड़ा कैलोरी बर्न करो ने, उठाओ ने वजन, संभाल के बोतल पे खरोचना है, बाद में बेचनी है। ए भाई डीजीपी के साथ पीते हुए सेल्फी ले। अबे फेसबुक पे लाइव जाते हैं। किस मनहूस मूरत में सदाशिवम के घर में कदम रखा, उसने मारा 4 और गिना 1। रिश्वत आर से शुरू होती है, रा से वही भूल गया हूँ। पीठ पे ऐसा डिजाइन बनाया कि खुद ही नहीं देख सकते। अरे रंगोली से नफरत हो गई है भाई। आदमी होने के बावजूद भी बैकलेस ड्रेस पहना दिया। उसके पट्टों से ज्यादा उसके शब्दों की मार लगी जब उसने मुझसे पूछा, सीने के बाल में उंगली पिरो कर, पुष्पा का पति तू ही है ना? वो तो लागी गयो। एमएलए सत्यम शिवम से मिला नहीं,
इसका मतलब पैसे उसने लिए ही नहीं, तो ये 10 लाख रुपए गए किधर बे? यहाँ मेरे तलाक के वांदे हो गए और तुझे 10 लाख रुपए की पड़ी है। केजी के बच्चे से लेके डीजीपी तक सब पुष्पा का गाना सुन चुके हैं, एक मैं ही उसकी धुन पे नाच नहीं पाया। अबे मैं तो जबान दे चुका हूँ कि सत्यम शिवम से मिला दूंगा, अब डीजीपी कहाँ से पैदा करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अबे कल्पेश, उसके सामने सच की उल्टी कर दूँ क्या? तेरे गन्ने का रस निकाल देगी। देख क्या रहा है, ये जितना भी लोचा लबाचा हुआ है ना, उसका जिम्मेदार तू है। अबे वो हॉस्पिटल आ रही है या तूने बोला था? शांति रखने, एक दूसरे की उंगली करके फायदा नहीं है। 10 लाख का बंदोबस्त कर या डीजीपी को लेकर आ। एक रायता तड़का मार के झींगा फ्राई लाऊं सब। अबे आ कौन छे? भाड़े का डीजीपी। आइए आइए। जैसे कृष्ण से। ओके ओके। अपनी माँ की कसम खा के एक बात सच्ची सच्ची बता मुझे। दबंग का आमिर लगता हूँ ना? अबे दबंग में तो शाहरुख था। एक अंदर की बात। बाहर निकालो। याद रहे, अगर 2500 से एक फूटी कौड़ी भी कम कर दी ना, तो डीजीपी की बजाय कांस्टेबल बन जाऊंगा। लेकिन इस भाड़े के कपड़े पे चाय पानी मत गिराना, नहीं तो 2500 से 2000 काट के सिर्फ 500 रुपए। नहीं गिराऊंगा, मैं तो चाय ही नहीं पीऊंगा यार। सर 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 दे दो। अरे क्या कर रहे हो? 10 मिनट बाद तुम लोग अंदर आ जाना, ठीक है? रुक जा बे। आई ये कौन है? देखा हो लगता है भूतनी के। यही तो एमएलए है। अब ध्यान से बात सुन, लड़की को बोल देना कि उसकी नौकरी डिपार्टमेंट में पक्की हो गई है। अगर वेटर चाले किए ना। डोंट वरी, मैं अभी दबंग के कैरेक्टर में हूँ। बोलो क्या लाने का? वेटर ऑर्डर नहीं लेना है। ए लड़की, पुलिस डिपार्टमेंट में मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। इधर मैंने नर्स का कोर्स किया, पुलिस की जॉब कैसे करूँ? बस कर पगली, रुलाई की क्या? बेंजी आप बाहर जाइए। सामूहिक नौकरी बांट रही है। ओके सर। लड़की नहीं है क्या? मुझे क्या पता ऐसी कोची क्या कोची किया ना, तो 2500 तुझसे लेंगे। पेन अरे तड़ी में तड़ी में सीधे पेन आओ। ये है खड़ा कानून और ये लेटी हुई राजनीति। ये सोनोग्राफी इसकी है। डीला स्कैन रिपोर्ट। ये एक्सरे सर, एक्सरे। रिपोर्ट से लगता है इनके पैर में मोच है। पैर में नहीं, ओब्लंगाटा में आई है मोच। ओब्लंगाटा, इसमें मेरा क्या काम? सर इज वेरी फनी। वेरी फनी सर, इन्होंने 10 लाख दिए थे। नमस्ते सर। ये इनका पर्सनल। नमस्ते जी। प्रेम ने तुम्हारे लिए बहुत तकलीफें उठाई, इतनी तकलीफें उठाई कि तकलीफ के वजन से खुद इसका वजन कम हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी नौकरी पक्की। अनुराधा, मेरा नाम अर्चना है सर। माने नाम में क्या रखा है अर्चना? नौकरी पक्की है। मुझे आप पर भरोसा है मलाई मार के। बड़ा महक रहे हो, कल क्या शकीला के साथ टकी लगी थी? डॉगी से भी तेज नाक है आप। 25 साल से ऑर्डर ले रहा हूँ, उसको पहचानता हूँ। वो क्या है, जज ऑर्डर ऑर्डर बोलता है ना, वो सब 25 साल से यही ले रहे हैं। ऐसे ही डीजीपी थोड़ी बन गए। सर अब जाने का वक्त आ गया है। आपकी मीटिंग है, जाओ जाओ। नर्स, क्या काम है सर? ये कहाँ रखूँ? चलो चलो, ठीक है मैं रख देता हूँ। ठीक है सर। सर मुझे अपना नंबर दो ना। मेरे पास फोन नहीं है, इसका नंबर ले लो। गाड़ी सीधे ढाबे पे ले। थैंक यू। थैंक यू नहीं, आई लव यू बोलते हैं पगली। एंगेजमेंट होने के बाद तो तुम और भी खूबसूरत लगने लगी हो। क्या सर, अच्छा मजाक कर लेते हैं। नर्स को घुट्टी पिला रहे, सेटिंग कर रहे हैं। हेलो, क्या? हेलो, आवाज नीचे कर। एमएलए को एडमिट हुए 15 दिन हो गए, उसे टाका लगाने के बजाय तू नर्स को टाका लगा रहा है। कैसा डॉक्टर है तू? देखिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान के हाथ में। पगार तू लेता है, काम भगवान करेगा? हर डॉक्टर बोलते सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसोन पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, एमएलए को होश में लेके आ। भले ही 499 करोड़ खर्च हो जाए चलेगा। तू ही तोर मुख बंद रहा। 1 करोड़ तो बचेगा। छतर माता, अबे चुप कर। ए डॉक्टर, तू होम्योपैथी कर या आयुर्वेदिक, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 10 दिन के अंदर फिट होके एमएलए असेंबली पहुंचना चाहिए। अगर वो असेंबली नहीं पहुंचा तो तू ऊपर पहुंचेगा। चल रे, तू लग जा अपने काम पे। कस्टमर धूप में खड़ा है, तू व्हाट्सएप फेर रही है। होली पर कपड़े दो तो ये दिवाली पर कपड़े देता है। अरे मैं पहले आया था। बोले ने, अरे घासलेट की लाइन लगी है जो पहले लेगा। अरे क्यों उधम मचा रखी है? पुष्पा ने कुछ किया क्या? पुष्पा का तो दुनिया भर को पता है, ये तेरा मामला है। मुसीबत आने ही वाली है। किधर आने वाली है? अरे आज पुलिस भर्ती का रिजल्ट है। ढाबे वाली बापू के साथ लिदल देखने गई है। रिजल्ट देखने गई है, पोल खुलने वाली है। जल्दी से दुकान बंद करके भागना पड़ेगा। नीचे कर ले भाई। अरे आ रहे हम लोग। अच्छा चल। अरे नहीं मरेगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे शादी में जाना है। पहले मेरे कपड़े दो, फिर जहाँ भागना है भागो। भागी तो रहा हूँ, 6 महीने में दे दूंगा। मैं क्या पहन के जाऊँ? टी शर्ट पहनने भाई। क्या मुंह लटका के बैठा है, गर्म हो रही है, पी ले। ए बका, इतना तो गुंडे लोग पुलिस से भी नहीं डरते। मामला ठंडा होने तक यहाँ पे दरिया किनारे ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। जैसे ही एमएलए को होश आएगा, उनसे 10 लाख लेके ढाबे वाली के मुंह पे मार देंगे। बात वो नहीं है बे,
जब उसे रिजल्ट में नाम नहीं दिखेगा तो क्या गुजरेगी बेचारी पे? आज ये नशा चढ़ने नहीं देगा। मेरे प्यार की पिपरी बच गई यार। बका, पता था तेरा मूड ऑफ होगा, इसलिए चीयर्स के साथ चीयर्स गर्ल्स भी हैं। क्या चीयर गर्ल्स? ये कल्पेश, ए नाचो ये डिस्को, ये हेलो हेलो, अर्चना आ रही है? उसने गूगल सर्च में डाला होगा बिगेस्ट फ्रॉड और हमको ढूंढ निकाला। ये पैसे बाद में देंगे, तुम जाओ दूसरी जगह नाचो ने। अबे यार बहुत गुस्से में लग रही है, मैं तेर के भी नहीं भाग सकता, आज तुम मर ही गए हो। भारत माता की जय। डांस को ब्रेक क्यों किया? ये ब्रेक डांस है, ब्रेक कर करके ही करते हैं इसलिए। तो तुम लोग यहाँ पार्टी मना रहे हो मेरी बेटी की जिंदगी में रायता फैला के? लड्डू ठूस दूंगा मुंह में। अंकल एमएलए साहब गए थे पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो अरे मारने से पहले कैसे मरी क्यों? लाठी के बजाय लड्डू। पुलिस की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है और अपने शहर में मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब नौकरी मिल गई? तुमने मुझे नौकरी दिलाकर मुझ पर एहसान किया, थैंक यू। मेरी दुआ है कि तुम्हें अच्छी गर्लफ्रेंड मिले। गर्लफ्रेंड तो यही है ना, इसीलिए हम ब्रेक डांस कर रहे थे। डीजीपी ने सुबह ही हमें व्हाट्सएप कर दिया। सच्ची? हाँ मुच्ची। चीयर्स गर्ल्स के स्पॉन्सर भी वही थे, खाया पिया नाचे जलसा किया, मजा आ गई। थैंक यू, अभिनंदन।